My name and last question is, where is shrine of Pandit Jawaharlal Nehru? I repeat my question. Where is the shrine of Pandit Jawaharlal Nehru? The correct answer is Shanti Pratiman in New Delhi. Thank you. Have a marvelous day. चौदह नवंबर को भारत सरकार ने बाल दिवस मनाने का फैसला।
बाल दिवस का यह विशेष अवसर हमें बच्चों की भलाई, उनके अधिकारों और शिक्षा की महत्वपूर्ण समझने का मौका देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और उनकी खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। उनका मानना था कि बच्चे देश की सच्ची शक्ति और भविष्य होते हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और विकास को बहुत महत्व दिया। उनका सपना था कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिले। आज भी बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा का अभाव, बाल श्रम और सुरक्षित वातावरण की कमी। सुशिक्षा, प्रेम, निरक्षर व्यवहार, जल सिंचन से या बीज अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे और उनकी सुगंधित सुवास से राष्ट्र सुरक्षित होगा। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों को उज्जवल भविष्य देने का संकल्प लें, ताकि वे अपने सपने पूरा कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अनुदान।
प्रदान कर सकते हैं। नेहरू जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली का निर्माण। उन्होंने बच्चों को हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, मेहनत करें और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करते। हमारे देश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। हमें उनके लिए भी कार्य करना होगा और हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना होगा कि वे इस तरह से उन बच्चों की सहायता करके देश की सेवा करें और अपने लिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, क्योंकि हमारे आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य पर ही हमारा हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। तो इसी सभी इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपने बात यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। Institute of Medical Science that was created during his tenure.
He has given importance to public sector because at that time no private people, no multinational corporations are there to come forward to make investment in a country because our growth rate was only 0.5%, less than the 1%. तो नेहरू ने पब्लिक सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया. नेहरू के पीरियड में सेल बना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेहरू के समय में पब्लिक सेक्टर में आज जो रेलवे है, रेलवे को जो है नेशनलाइजेशन किया गया है. नेहरू के समय में हेल्थ को इंप्रूवमेंट किया गया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना. जातीय शिक्षा नीति भी 86 में बना है. उससे पहले भी जो है 1968 में बना है. उससे पहले भी जो है 1952 में बना है उनके पीरियड में. शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जो होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उनके समय में बना है. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहां में हमारे बच्चे जाते हैं और रिसर्च करते हैं, जहां का प्रोडक्ट एपीजे कलाम है उनकी समय में बना. देश में औद्योगिक विकास हुआ है. नालको, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इतना बहुत सारा चीज उनका कंट्रीब्यूशन है. लेकिन कंट्रोवर्सी से उनका लाइफ में सो मेनी कंट्रोवर्सी आया. बट ही वाज अ मैन ऑफ पीस. वो शांति चाहते थे, इसलिए कश्मीर का समस्या जो समाधान होना था वो नहीं हो पाया. इशू जैसे था, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है. कोई व्यक्ति जो है 100% नहीं होता. लेकिन अगर कोई व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ज्यादा है तो हम उनका पॉजिटिव, उनका अच्छे जो है पॉजिटिविटी को जो है काम करना चाहिए. तो नेहरू शांति प्रिय लोग थे, तो इसीलिए इतना पॉलिटिकल डिस्टरबेंस के बाद भी उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक कंटिन्यूअसली देश का भार संभाला है और देश को प्रगति के पथ में ले गया है. और जो फाउंडेशन उन्होंने बनाया है उसी का प्रूफ जो है आज हम लोग को मिल रहा है. एंड उनको पूछा गया कि आप अपना जन्मदिन को इसके साथ मनाना चाहते थे, तो वो बच्चों के साथ उनका लगाव बहुत था क्योंकि वो जानते थे कि हमारा फ्यूचर सिटीजन जो बच्चे हैं. तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको आप स्नेह से चाचा नेहरू कहते हैं, उनका जैसे पूरा नहीं बनने से भी उनका जो भी सपना था कि भारत एक विकसित देश होगा, हमारा बच्चे जो खुशहाल जिंदगी में रहेंगे, हमारा बच्चे जो है बाहर में नाम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे रहेंगे, क्योंकि भारत का भाग्योदय जो है आपके पास है. तो इसीलिए आप लोग जो है उनका सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए, तभी जाके ये ग्रेट लीडर्स का जो सपना था वो साकार हो पाएगा. सिर्फ 14 नवंबर में उनको याद करना वो तो फॉर्मेलिटीज है, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी को कुछ ना कुछ हम लोग को मानना पड़ेगा. हर क्षेत्र में हमको आगे आना पड़ेगा और इंडिया को और भी विश्व दरबार में जो है पहला पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा. वो हो सकता है क्योंकि इंडिया का पास वास्ट पॉपुलेशन है, वास्ट रिसोर्सेस है, इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरा देश में नहीं है. हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारा हेरिटेज अलग है, हमारा सोच अलग है. हम अगर सोचे तो आसमान तक भी हम पहुंच सकते हैं और छू सकते हैं. तो विद दिस आई होप यू विल ट्राई टू इंकलेक्ट द वैल्यू ऑफ ग्रेट लीडर एंड आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. विद दिस थैंक यू एंड wish you again a very happy Children's Day. Thank you very much. This is regarding CCA competition.
pleasure. That is 20th November. And the CC competition which we are having this time, it is the solo song competition. It's a solo song competition. And for further details and more details and all, you can contact our music ma'am, Meena Pia ma'am. Ma'am is requested to select the judges, time, venue, and the theme for the songs. And what we have decided that from each house, two participants will perform. From each house, only two participants will perform. And the name should come on Saturday. The house captains are requested to give the names by Saturday itself. And so this is what. And we talk to this. How do you know? Thank you.
আমি তো বুঝতেই পারিনি খেলা হচ্ছে, আমি তো তোমার সাজাচ্ছ বোধ হয়। আমি বসে আছি, কিছু অ্যানাউন্স হচ্ছে না কখন, আমি জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ আমি হচ্ছে বলতে তোমার সাজাচ্ছ, কিছু পার্টি হবে। ম্যাম আপনি খেলবেন না?